नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण। आज बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर प्रज्वल रेवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही प्रज्वल रेवाना है जिसके ऊपर कई सारी महिलाओं के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा। दरअसल जब महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, कई सारी महिलाओं के साथ, और जब प्रज्वल रेवाना का वीडियो लीक हुआ, तब प्रज्वल रेवाना देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। लेकिन आज वो सुबह सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा, और जैसे ही वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा, तभी उसे बेंगलुरु पुलिस और एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे सीआईडी ऑफिस लेकर गए और उससे पूछताछ की, और आज उसकी बेंगलुरु कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। ऐसे में अब कई सारे बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रज्वल रेवाना जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस चीफ एसडी देवगौड़ा का पोता है, और वहीं इनके जो पिता थे पूर्व मंत्री रह चुके हैं एसडी रेवन्ना, जो कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और बात अगर इनके चाचा की करी जाए तो वो कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं एचडी कुमार स्वामी। ऐसे में ये बिल्कुल साफ यहाँ पर तस्वीर है कि बड़ा राजनीतिक परिवार इनका रहा है, जिनका राजनीति में एक बड़ा वर्चस्व रहा है। कर्नाटक के अंदर बात कर ले या फिर देश के अंदर बात कर ले, मैं आपको बता दूं जेडीएस का भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन है, और इस ऐसे में बड़े सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस जो है बार बार प्रज्वल रेवाना के मामले में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। जरा आप पहले ही देखिए, जब प्रज्वल रेवाना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। देखा आप सभी लोगों ने किस तरह से प्रज्वल रेवाना को एसआईटी की टीम ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, और अब बीजेपी पार्टी को भी यहां पर कांग्रेस जो है घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रज्वल रेवाना के ऊपर कई सारी महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चुप नजर आती है। हालांकि जेडीएस पार्टी ने प्रज्वल रेवाना को जो है निलंबित कर दिया है पार्टी से, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। कोई भी बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये वही प्रज्वल रेवाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। वही प्रज्वल रेवाना है जिसके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर ऐसे नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, और इतने संगीन आरोप जो आपकी आंखों को शर्मिंदा कर दे, आपकी आंखों झुकाने के लिए मजबूर कर दे। अब देखते हैं कि आखिरकार प्रज्वल रेवाना पर क्या क्या धाराएं लगती हैं और किन किन धाराओं में केस आगे चलता है। खैर, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आज प्रज्वल रेवाना को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज बड़ा फैसला इस मामले पर आ सकता है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।